हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। देखिए इसमें क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना है। लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करने के लिए या तो लेफ्ट साइड ले लीजिए तो राइट साइड ले लीजिए, और कभी कभी दोनों साइड को लेना पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। क्या है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, तो लेंगे टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया। यहाँ पे प्लस था, प्लस लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा उल्टा होता है किसका, टेन थीटा का। याद रखेंगे 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो गया। अभी यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए, ये डिवाइड में इधर आएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। बट इससे पहले यहाँ पे माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे करेंगे। करने के बाद नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी सेम है, साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। प्लस था, प्लस लिखे हैं। उसके बाद क्या करना है, पहले यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब ये नीचे वाला नंबर चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे में भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर देंगे, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दिया। सेम थिंग उधर भी करना है आपको, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या था, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा था, कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, हम लोग करेंगे माइनस का साइन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा साइन अलग है, इसलिए इक्वल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस cos थीटा था, यहाँ पे माइनस cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस sin थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। इस स्टेप में बस मैंने क्या किया है, साइन चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, तो फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जब करेंगे तो नीचे में क्या लेते हैं, एलसीएम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ cos थीटा, यहाँ sin थीटा, cos थीटा sin थीटा हो गया, ये दोनों कॉमन था, इसलिए यहाँ पे भी sin थीटा माइनस cos थीटा लिख दिया। अभी नीचे में क्या करते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा करेंगे, क्या हो जाएगा, sin क्यूब हो जाएगा, sin क्यूब थीटा लिख दिया, माइनस था, माइनस लिख दिया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा हो गया। अभी देखिए ये है एक फॉर्मूला में, कौन से फॉर्मूला में, फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, तो फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वी हैव कॉस थीटा। तो क्या था फॉर्मूला, ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू इंटू, नहीं यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया, इंटू इंटू लिख दिया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है, प्लस लिखो, कॉस है ना, बी है, तो बी के बदले में क्या लिखेंगे, बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस था, प्लस लिख दो, ए के लिए ए का वैल्यू साइन थीटा, बी के लिए बी का वैल्यू कॉस थीटा लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम था, दोनों को काट देंगे, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया, वन लिख दिया, ठीक है। अभी क्या बचा वहां पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, मैंने लिख दिया है। अब आगे देखिए क्या है, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो दोनों नंबर दिख रहा है वो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, क्या हम लोग दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, दोनों के बदले में डिनोमिनेटर तो सेम होगा, लिखेंगे वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस था इसलिए प्लस लिख दिया। अभी ऊपर में क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे देखो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचा, वन बचा, क्या बच गया, वन बच गया, तो अब हम लोग वन लिख देंगे। अभी देखिए क्या है,
ये यहाँ पे वन बचा, मैंने वन लिख दिया, ठीक है, प्लस था प्लस लिख दिया। अभी यहाँ पे लिख रहा है वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, तो वन बाय कॉस थीटा अलग करके लिख दिया, वन बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा था इसके बदले भी लिख दिया वन बाय साइन थीटा। तो अब देखिए क्या है, ये वन बाय कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा, लिख दिया वन के लिए वन, प्लस के लिए प्लस, और वन बाय कॉस थीटा के लिए सेक थीटा। फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू लगा देना है, फिर वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, लिख दिया कोसेक थीटा। अब देखिए आपका जो लेफ्ट साइड था, हम लोग का ये लेफ्ट साइड का वैल्यू है, राइट साइड के हो गया इक्वल वन था, वन हो गया सेक थीटा था, सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा था, कोसेक थीटा हो गया, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फोर नंबर, फोर नंबर में क्या करेंगे, फोर नंबर में है वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ए। अभी हम लोग को दोनों साइड क्या करना है, इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, वन के लिए वन लिख दिए, प्लस के लिए प्लस लिख दिए, सेक ए के लिए सेक ए का वैल्यू लिखेंगे, सेक ए किसके इनवर्स होता है, वन बाय कॉस के, मतलब सेक इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए, लिख दिया वन बाय कॉस ए, नीचे में सेक ए था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वन बाय कॉस ए हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ऊपर वाला दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है और ये फ्रैक्शन में, ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए, नीचे क्या था वन बाय कॉस ए, वन बाय कॉस ए लिख दिया। अभी नीचे वाला नंबर मतलब जो डिवाइड में है वो नंबर किसमें चेंज आएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर, तो हो गया रेसिप्रोकल, यहाँ से कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस वन, कॉस ए प्लस वन मैंने लिख दिया। ये था हम लोग का लेफ्ट साइड, अब देखते हैं चलिए राइट साइड, राइट साइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए है, तो साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, लिख दिया, ठीक है। अभी नीचे में क्या था, वन माइनस कॉस ए था, वन माइनस कॉस ए लिख दिया। ऊपर में जो दिख रहा है क्या है, वन इस ये जो वन दिख रहा है इसको वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे मैंने बताया है। तो आप क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इस फॉर्मूला में होता है, इस फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव वन था, वन लिख दिया, ए प्लस बी लिखना है, ए के लिए वन लिखा, प्लस के लिए प्लस लिखा, कॉस ए लिखा बी के लिए, ठीक है। फिर इंटू था, इंटू लिखेंगे, फिर ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है, वन है, वन लिख देना है, माइनस लिख देना है, बी के लिए बी का वैल्यू क्या है, कॉस ए लिख दिया। नीचे में क्या था, वन माइनस कॉस ए था, वन माइनस कॉस ए लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, क्या बचा आपके पास, वन प्लस कॉस ए लिख दिया, वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस ए प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो अब देखिए लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट साइड था cos a प्लस वन आया था, और राइट साइड में भी हम लोग का क्या आया है, cos a प्लस वन आया, इसका मतलब क्या हो गया, LHS is equal to RHS, नंबर भी हो गया क्या प्रूव्ड। I have told you that I will upload the solution video of RD Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of RS Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution, okay? So please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye bye everyone. Thank you for watching my videos.